आज के समय में ऑर्गन डोनेशन का एक लोगों में भ्रम जरूर बना गया कि जब डेथ होती है आदमी की, क्योंकि इंसान की, तो लोग उसका ऑर्गन डोनेशन नहीं करते हैं, समझते हैं या कुछ हो जाएगा, ऊपर जाए कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा ये सब भ्रम को दूर किया है। आज फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। अक्सर बॉडी डोनेशन होती है, लेकिन ऑर्गन डोनेशन किस तरह से, किस कितने समय में होता है, बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहिल मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहिल से जानते हैं। डॉक्टर साहिल बताइए, जो आपने आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है उसके बारे में ज़रा बताइए। सर, आज हमने फोर्टिस हॉस्पिटल में आज से आई थिंक 10 दिन पहले जी, हमारे पास एक ऑर्गन डोनर थे जिन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करी थी कि वो, उनकी फैमिली में इच्छा प्रकट करी थी कि वो उनके अंग दान करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, वो डॉक्टर्स ने बताया था उनको। तो उनकी की वजह से आज हम यहाँ पे ये उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। सब सारा श्रेय इस चीज़ का उन्हीं को जाता है। अगर वो ना इच्छा प्रदान करते तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब, लोगों में एक भ्रम बहुत है, वो करना नहीं चाहते ऑर्गन डोनेशन, होता नहीं है या बाद में सोच ऐसे, लेकिन लोगों के लिए क्या एक मैसेज है, क्या सोचें वो बॉडी डोनेशन को लेकर और ऑर्गन डोनेशन को लेकर? देखो, कोई भी भ्रम है, मेरे को एक चीज़ का लोगों का समझ नहीं आ रहा था कि मतलब हमारे ग्रंथ हैं, हमारा रिलीजन है, जो भी है, सब कुछ यही बोलते हैं कि दूसरों को खुशी दो, और इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सक, खुशी की बात क्या हो सकती है आपकी, दूसरे को अपने मरने के बाद आप दूसरे को एक नई ज़िंदगी प्रदान करके जा रहे हो। और एक बंदा कम से कम 8 लोगों को ज़िंदगी प्रदान करके जा रहा है, इससे खुशी की ज़्यादा बात क्या हो सकती है। इसके आगे तो मेरे को लगता नहीं ग्रंथों के ऊपर कुछ ज़्यादा चर्चा भी करनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे ग्रंथों में, सारे ग्रंथों में एक ही बात बोली जाती है कि किसी को खुशी दोगे आपको खुशी मिलेगी। एग्जैक्टली। तो उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि मोक्ष नहीं प्रदान होगा या स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, नरक में जाओगे, या कई लोगों की ये धारणा होती है कि अगर आज आपने किडनी दे दी है तो कल को अगली जन्म में हम किडनी के बिना पैदा हो जाओगे, तो आप किसी को खुशी दे के जा रहे हो, आपके साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? बिल्कुल। इसी सवाल के साथ डॉक्टर इनाम आपसे, आपके पास आना चाहूँगा। आज के समय में कितना आंकड़ा है जो लोग किडनी डिसीज से जूझ रहे हैं, जिनको दिक्कत है, लेकिन उनके लिए पूरा समाज एक लाभदायक सिद्ध हो सकता है, अगर आपकी बात, अगर आप बताएं। अगर हम बात करें हमारी, जो मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, तो इंटरनेशनल जो सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी है वो बताती है कि 17% लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज से जूझ रहे हैं, यानी कि 100 इंडिविजुअल्स में से 17% लोगों को किडनी की समस्या है, और लगभग हर साल 1.5 लाख नया मरीज CKD का पाया जाता है, मतलब नया डायग्नोज होता है। अगर हम अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, इस टाइम पे भी पूरे देश भर में नियर अबाउट 1.5 लाख लोगों के कहीं ना कहीं डायलिसिस चल रहे हैं। तो ये सारे जो मरीज़ हैं, हम इनको किडनी ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें तो लाइव डोनेशंस, जैसा कि सबसे नंबर वन कारण है शुगर का, दूसरा है BP का, जो हमारे 40% कारण है किडनी ख़राब होने का वो शुगर है, 25 से 35% है जो कि BP का है। तो इन बीमारियों के कारण हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हमारा लाइव, यानी कि जो जिंदा लोग हैं, वो अपने ऑर्गन्स डोनेट कर पाएँ। तो हमें इसीलिए अपने आपके थ्रू यही जागृत करना है कि जो डिजीज डोनर है, जो डेड है, हमें उनके ऑर्गन्स ले लेने चाहिए जो फिट हैं, और उनको हमें दूसरे के शरीर में डालने चाहिए ताकि वो जो जिससे पीड़ित हैं वो उनसे बच पाएँ। बिल्कुल। मेरे साथ डॉक्टर सतीश मौजूद है। डॉक्टर सतीश, आप मुझे एक बात बताइए, लोग जब कोई डोनेट करते हैं ऑर्गन, उनमें एक भ्रम रहता है कि यार हमारे साथ कोई धांधलाबाजी ना हो जाए, कोई हमारा ऑर्गन लेके कोई बेच ना दे, लेकिन उसके लिए आप बताइए क्या प्रोसीजर पूरा आप होते क्या करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या रहता है इसके लिए? सर, कोई भी अगर कोई अंग दान करना चाहता है, उसके जो रेसिपिएंट जिसमें हम अंग डालेंगे उसको रजिस्टर करना पड़ता है, नोटो का साइट है, प्रॉपर गवर्नमेंट का साइट है, उस पर वो 72 घंटे पहले रजिस्टर हो जाना चाहिए। इसके लिए उस मतलब आप जैसा बोल रहे हैं कोई धांधलेबाजी नहीं है, ये गवर्नमेंट की साइट है जिस पे हम रजिस्टर करते हैं। टाइम हुआ है कि पंजाब का ये फर्स्ट कैडेवर डोनर है, डिजीज डोनर है, जिस जहाँ पे हम एक मृतक व्यक्ति के शरीर से उसके अंग निकाल के और एक ऐसे व्यक्ति को अंग डालते हैं जो किसी बीमारी से, एंड ऑर्गन फेलियर जिसको बोलते हैं, जिसके अंग जो है काम नहीं कर रहे, उसमें कोई भी हो सकता है, किडनी हो सकती है, लिवर हो सकता है, हार्ट हो सकता है। तो ऐसे उन लोगों में हम डालते हैं ऐसे अंग ताकि उनकी जो लाइफ है वो बेटर हो सके। तो ये जो हमारा पंजाब का पहला ऐसा ऑपरेशन है जो हमने यहाँ पे किया है, और ये ऑपरेशन स्पेशल इसलिए भी था कि इसमें दोनों किडनीज एक ही इंसान में लगाई गई हैं। अदरवाइज़ वैसे क्या होता है कि नॉर्मली हम एक किडनी एक को देते हैं, दूसरी किडनी, जो दो किडनीज हैं वो अलग अलग इंसानों को जाती हैं, मतलब दो किडनीज मतलब दो पेशेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बट ये ऐसा स्पेशल केस था एज के कारण, एज इसकी 73 ईयर्स थी, तो एज के कारण हमें ये किडनीज दोनों एक को ही देनी पड़ी थी।
आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो ये जो ऐसे मरीज होते थे जिनकी एज 60 से ज़्यादा है या 65 से ज़्यादा है, तो उन पेशेंट्स की हम किडनीज़ को नहीं ले सकते थे। बट जैसे जैसे हमारी मेडिकल साइंस जो है वो एडवांस करी है, तो हम यहाँ तक इस पड़ाव तक पहुँच गए कि हम ये काम भी कर सकते हैं कि दोनों किडनीज़ एक को देके सेम रिजल्ट हम उससे ले सकते हैं। अक्सर जैसे हम देखते हैं किसी एक बहन की किडनी ख़राब होती है, लेकिन फैमिली मेंबर कहीं तो होता है दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे फैमिली मेंबर भाग जाते हैं। उनके लिए बताइए कि अगर आप डोनेट करते हैं किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती या क्या चीज़ रहता है? देखिए, ऐसा है कि किडनी डोनेशन, लिविंग किडनी डोनेशन जब भी होता है, उससे पहले जो डोनर होते हैं उनकी डिटेल में जाँच की जाती है, और जब हम पूरी तरह से जाँच करते हैं और उसमें वो स्वस्थ पाया जाता है व्यक्ति, तभी हम उस व्यक्ति को एज एन ऑर्गन डोनर एक्सेप्ट करते हैं। अगर कहीं पर भी हमें ये लगे कि वो व्यक्ति मेडिकली फिट नहीं है किडनी देने के लिए, तो फिर हम उस ऐसे डोनर्स को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन यदि वो मेडिकली फिट है किडनी देने के लिए, तो किडनी डोनेशन के बाद उसको अपने जीवन में किडनी देने की वजह से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ये बातें हम सबको बताते हैं और आपके माध्यम से ये बार बार हम बताना चाहेंगे कि किडनी डोनेशन एक ऐसा सर्जरी है जो पूरी तरह से सेफ है, यदि ऑर्गन डोनर जो है वो स्वस्थ है तो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये मौजूद थे नेफ्रोलॉजिस्ट सीनियर्स, जिन्होंने इस बातचीत की पूरी। अगर आप भी इस चीज़ के लिए जानते हैं, आपकी एक कोशिश के ज़रिए कहीं लोगों की जान बच सकती है, टिश्यूज़ आप डोनेट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें डोनेट होती हैं, आप बातचीत कर सकते हैं पूरी जाके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई धांधलाबाजी नहीं होती। चंडीगढ़ से प्रिंस गर्ग की रिपोर्ट, धन्यवाद।